इशू कोई नहीं सीगा, उन्हां कोल बेसलैस गल्लां सीगियां, वो गल्लां करदे सी इनफेक्शन दियां, चोरी दियां, ते साडे वीरां ने बड़े थोक में जवाब दिते। असल च रीजन यही है कि पड़ी वालों तो होरां तो इन्हां नूं हफ्ते जाने हैं, तो उही रीजन है। हुण गल ये सी वी प्रशासन का मेन टारगेट लंगरां नूं पूर्ण तौर पर बंद कराना सी, शिफ्ट तो उन्होंने अंशक तौर पर कीते सी, वह चाहते सी भी ये जगह खाली करा के वेंडर नूं दे के इत्थों कमाई की जाए, भी लोग रोड क्रॉस करनगे, रोड के उपर कोई डिगेगा, तो बाद गल ये बना दी जाएगी लंगर कारण लोग इतने डिगते हैं। सानू तो यही खालसा सी कि जिहड़े है रेहड़ी फड़ियां वाले तो अपना हफ्ता वधाने के चक्कर से सानू तंग करके उधर भेज रहे थे, जदों के साडे गुरुआं ने सिखाया गरीब का मूँह गुरु की गोलक। असी कोविड के जो लंगर वरताउंदे सी उदों तां सानूं इह लभ लभ के लियाउंदे सी वी कित्थे भाई लंगर वाली टीम आ जाओ भाई तुहाडी लोड़ है, हुण जदों तुहाडी लोड़ निकल गई हुण असी कौण हो गए, हुण सानूं दरकार दिओ, सानूं परचियां दी धमकियां दिंदे हो। जे तुसीं उही गल करो कि पीजीआई दे अंदर दीआं कंटीनां जिहड़ी इन्हां ने कॉन्ट्रैक्ट के ठेके ते चाड़ियां निजीकरण दे दित्तियां ने, उत्थे तुहानूं 80 रुपए तों 100 रुपए की थाली मिलेगी। जिहड़ा बंदा अपने परिवार का मरीज लैके आया वा उहदे लई 3 टाइम की 80 रुपए की थाली खानी है। ये जिहड़े लोग हुंदे ने जिहड़े रेड मारदे एमसी तों पैसे लैंदे ये हफ्ते के 500 रुपया 200 रुपया लैंदे आ, जदों ये पैसे लैके रेहड़ियां जिथे मर्जी लवा सकदे लंगर भी जिथे मर्जी लग सकदा, इहदे च कोई हैगा ही नहीं। सानू कोई प्रशासन का लाइसेंस नहीं चाहिए, ये पीजीआई तो लाइसेंस नहीं चाहिए, किसी कारपोरेशन तो लाइसेंस नहीं चाहिए चाहिए, कारपोरेशन कोई नहीं होंगी सानू लाइसेंस देने वाली, असं आप अपने साडे भरा लंगर ला रहे हैं तो लोगों की सेवा लिए ला रहे हैं, तो अगे भी लाते हैं। जो पुलिस वालों जो एनफोर्समेंट विंग पैसा देंगे उस वे शहर का ख्याल नहीं आता, उस वे एनफोर्समेंट विंग वाले एमसी कारपोरेशन को यह ख्याल नहीं आता भी पैसा चढ़ रहा है तो साडे शहर का की हाल हो गया। खाने का जो उनको जो मिल जा रहा है लंगर से जो फ्री फंड है एक सेवा के रूप में इसको चलाया जा रहा है, इससे बड़ा दान इससे बड़ा अच्छा काम मेरे को नहीं लगता है जे और कुछ हो सकता। यहाँ का ये सेवा देख करके मैं तो मंत्रमुग्ध हूँ कि इतना बढ़िया सेवा, यहाँ के लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने सच्चे होते हैं, आम लोगों को जिसको खाने के लिए नहीं इतना बढ़िया सेवा करते हैं, मैं तो गायब हूँ सर, कमाल है। और साहब मैं इतना गरीब आदमी हूँ, अगर लंगर की व्यवस्था ना हो तो अपना इलाज नहीं करा सकता सर। यहाँ तो इन बेचारों में लंगर की इतनी व्यवस्था, बड़े प्यार से बड़े आदर से लंगर देते हैं और बड़े बड़े ही बेचारे मिलनसार आदमी, बड़े ही अच्छा आदमी। रोजाना स्पोक्समैन तुसी देख रहे हो, मैं हाँ तुहाडे नाल जगसीर सिंह। कुछ दिन पहला पीजीआई तो तुहाडे नाल तस्वीर नशर करदे आ तां काफ़ी वायरल हुंदी है, उस दे विच अगर जे गल की जाए थां थां ते तस्वीर गई सी, वक्ख वक्ख लोगों ने शेयर की कि पीजीआई दे बाहर जो लंगर लगता है वह चुका के यूनिवर्सिटी के नाल कर दिता जाता है। नौजवान किसान एकता के जिहड़े आगू ने वो इत्थे पहुँचते हैं, देखते हैं कि लंगर लगेगा तो पीजीआई दे नाल लगेगा, नहीं तो अंदर जो कि असी पूरा संगठन करांगे इत्थे जो विरोध करांगे पीजीआई दा, जो इस दे विच कहा जा रहा कि लंगर जिहड़ा उत्थे लाया जाए। इस दे विच मैं पहला तस्वीर दिखावांगा, ये उही चेहरे ने, ये उही लंगर है, भावें सिखां दा है, किसी हिंदू दा है, भावें मुसलमान दा है, किसी दा भी है, किसी धर्म दा ही है, सब दा लंगर इत्थे चलदा है। तां इत्थे मजबूरन इन्हां दा लंगर चकवा के यूनिवर्सिटी दी कंध दे नाल लवा दित्ता गया सी, पर हुण फिर तो अज इन्हां ने कहा सी किसान एकता जिहड़े नौजवान एकता दे चंडीगढ़ दे ने वो इकट्ठे होए कि असी लंगर इत्थे लावांगे, इन्हां ने लंगर इत्थे लगा दिता है। पहलां गल कीती कि क्यों चुकवाया गया सी, उस दे विच इन्हां ने कहा कि किसी की फिरनी इत्थे फेरी सी तां करके असी लंगर यह चुकवा दिता गया, एक अद्धे दिन की गल सी पर लगन नहीं दिता गया सी। आ चेहरे तुसीं देख सकते हो किस तरह लंगर खाण दे लई प्रशादा छकण दे लई, क्योंकि मरीज हुंदे ने, मरीजां दे नाल अगर रोज़ 100-150 रुपये का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कितने अपनी दवाई बूटी करनी पूरी कितने दवाई। पहला मैं जिहड़े किसान एकता चंडीगढ़ के नौजवान ने उन्हां नाल गल करांगा, उन्होंने अज कौंसलर नूं भी बुलाया, ये सारे देखिया बरीकी दे नाल, तां पहला नौजवान एकता नाल गल करांगे जो इस दे विच सारा देखिया गया। भाई सत श्री अकाल जी, ठीक ठाक? सत श्री अकाल जी। अमन जी, आपां दो कुछ दिन पहला वीडियो करते हैं, काफ़ी वायरल होंदी है, लोग उसनूं देखते हैं, तो की लगता उत्थे लंगर लाण क्या गया सी भी प्रशासन कहिंदा उत्थे ला लो, जो कि चौंकी इंचार्ज कहिंदे ने, पर हुण फिर अज तुसीं इत्थे ला रहे हो, कौंसल साहब नूं बुलाया, तो की गलबात हुई सारी? असल च असी चौंकी इंचार्ज नाल पहला भी गल की सी, तो तुहाडा जो वीडियो आया उहदा उन्हां नूं बहुत प्रैशर पिया भी तुसीं मीडिया च चले गए इशू लेके। असल च इशू कोई नहीं सीगा, उन्हां कोल बेसलैस गल्लां सीगियां, वो गल्लां करदे सी इनफेक्शन दियां, चोरी दियां, ते साडे वीरां ने
बड़े थोक में जवाब दिते कि रोड पार करने इन्फेक्शन नहीं रुकती, रोड पार करने चोरी नहीं रुकती, है ना। फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं आया। जो आप उन्होंने हायर पूछा तो वह कहते साडे नॉलेज च नहीं है, असी एक दिन लिए रोकया सी जिदन इतने गवर्नर आओ गवर्नर का प्रोग्राम सीगा ते या अमित शाह आए सी उन्हां दिनां असी रोकया सी, बाकी असी कोई नहीं रोकया। पर उन्होंने उस दिन तो बाद बहाने ही बना लिया, इतने लगने नहीं दिता। असल च रीजन यही है कि फड़ी वालों तो होरां तो इन्हां नूं हफ्ते जाने हैं तो उही रीजन है, यही सानू यही लगता है। रीजन ये हो सकता है, बाकी कोई नहीं। लंगर असी उन्होंने कहा भी असी इत्थे लावांगे, नहीं लाण दोगे तो प्रोटेस्ट करांगे। अज सारे साडे बहुत नौजवान जथेबंदियां सारी चंडीगढ़ दी जथेबंदियां आईयां सी, नौजवान किसान एकता चंडीगढ़ पिंडो संघर्ष कमेटी ते होर भी जिन्नी भी लंगर निष्कान सेवा जिन्नी भी सीगियां वह सारियां आईयां सीगियां। सेवा ना भाई गीस दे विच उस दिन भी गल कर रहे सी कि नहीं लगन देणगे लंगर, भी मजबूरी बन जाएगी इत्थे प्रोटेस्ट करना पएगा। अज फिर तुसी कौंसल साहब नूं लैके आए, तुसी दिखाया इत्थे भी किस तरह का माहौल है। सफाई की गल की गई थी, सफाई लिए भी दो तीन बंदे सद ले, पर अजिहा क्यों होया सी? फिर हुण इधर आ गए, इधर लंगर लगेगा तो इन्हां दे जिहड़े इत्थे लंगर छकन आउंदे उन्हां दे चेहरे ते भी खुशी है। पहलो तो वीर जी तुहाडा थैंक यू है, तुसी उदन जिहड़ी खबर लाई इहदे कारण प्रशासन के कन्न खुले। उदों बाद साडियां मीटिंगां ते सानूं कॉल आउण लग पई, अं चौकी इंचार्ज नूं मिले, होर भी कई जगह से मिले। पर जो है अथॉरिटी साड़ी गल हुई, वो कहते भी जिदन गवर्नर ने इतने आना ही सिर्फ वो हाथे रोकया ही एक दिन हाथे, अं रोकया ही नहीं लंगर इदा, तुम कोई चक्कर नहीं ला सकते जो। फिर मैडम ना गल हुई, जाके मैडम ना साड़ी मीटिंग हुई, पांच छह बंदे गए, उन्हें लॉजिक दिता। पहलों तो सानू ये कहते इन्फेक्शन फैलती है, तो मैं उन्होंने कहा मैं रोड पार करते इन्फेक्शन जी नहीं रुकती। फिर उस कहते भी इदा चोरियां बहुत ज्यादा होंगे, अं क्या जी देखो चोर न कोई तरीका नहीं रोड दे, उस बन्ने भी चोरी कर ले भावें इस बन्ने कर ले, उन्होंने कोई मतलब नहीं है गल। फिर उन्होंने लॉजिक जेडे उन्होंने मुल आपके लगे, फिर वो इन्होंने कहा भी एक साइड से ला लो लंगर, भी एक साइड से लंगर छकन वाले हो जाने, एक साइड से तुम आपके लंगर ला लो। फिर अं उन्होंने कहा बिल्कुल एक साइड से लंगर लावे, सफाई का भी अं ध्यान रखा, अं भी रखा। और वो तो बाद एम सी साहब इतने आए हुए कारपोरेशन मैंबर, उन्होंने ही बुलाया, कॉल की सवेरे, वो भी आ गए, उन्होंने आ के अफसर साहब बुला लिया, उन्होंने बुला के सारा सा पूरा सपोर्ट किया साडा, तो पूरा साड़ा सपोर्ट किया उन्होंने इतने आन के, उन्होंने बंदे बुलाए हूँ तो उन्होंने इस बार उन्होंने इंटरव्यू लेके देख लियो, उन्होंने बुला के पूरा सबू समर्थन दिता, पूरा सपोर्ट की। और साढ़े जथे चंडीगढ़ के जी किसान जथेबंदियां ही अंबाले तक दईया, साढ़े को बंदे उतों तक आए हैं, नालागढ़ तक पंजाब तो भी आए हैं, और किसान जथेबंदियां जिन्निया ही बाकी बस बस जिन्हिया लंगर लाने वाली संस्था सारिया ने साड़ी सपोर्ट की है। अं जी गल की अज इधर अं लंगर लाता, तुम उदन नहीं कहा भी अं लंगर लाना पा प्रोटेस्ट करना पवे, पर चलो बड़ी कृपा रही उपर जा महाराज की, प्रोटेस्ट नहीं सूँ करना पाया, इदा ही साड़ा करके साड़ा चल गया काम, हूँ अं लंगर लाता, अज तो लंगर इधर लगन। प्रशासन की अड़ी नहीं चली, किसान एकता जी चंडीगढ़ की है, होर भी कई आगू ने किसान आगू जिन्हों की जित हुई है, लंगर उधर नहीं पी जी आई के नाल ही लाना है, तो इन्फेक्शन कोई नहीं फैलनी, इन्फेक्शन सिर्फ पैसों की होंगी है, कहते भी उन्होंने तो लैना पैंता। सतनाम जी की लगता है, बहुत मरीज आते हैं दूर दराडे तो आते हैं, जम्मू कश्मीर लैके हिमाचल जो होर दूर दूर तो आते हैं इतने, तो इन्हों की खुशी तो चेहरे चेहर से खुशी आ जाती है कि रोड पार करना पैंता सी, भी डर है कि सट ना वज जाए, पर हूँ खुशी है इन्हों चेहर से भी असं इतने बैठ के ऐ दी आए ऐ बढ़ जाए। मैं थोड़ी गल नूं अगे वधावांगा कि रोड पार करने वाला किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो जाए। हुण गल ये सी भी प्रशासन का मेन टारगेट लंगरां नूं पूर्ण तौर पर बंद कराना सी, शिफ्ट तो उन्होंने अंशक तौर पर किए सी, वो चाहते सी भी ये जगह खाली करा के वेंडरां नूं दे के इत्थों कमाई की जाए, इत्थों उन्हां तों रेंट लिया जाए, उन्हां तों कमाई की जाए, जगह खाली करवाउण दा उन्हां दा मंशा सी भी लोग रोड क्रॉस करनगे, रोड के उपर कोई डिगेगा तो बाद च गल बना दी जाएगी लंगरां कारण लोग इत्थे डिगदे आ। सो इस करके अज ये कह सकते भी साडे संघर्ष की एक जित हुई है, भी साडे वीरां ने पीजीआई लंगर सेवा निष्काम सेवक जथा किसान एकता चंडीगढ़ ते होर वख-वख जथेबंदियां ने मोढ़े नाल मोढ़ा ला के साडी इस कॉल नूं नेपरे चाढ़िया, सारियां लंगर दियां जथेबंदियां साडे नाल सहमत होईयां, ते अज असीं उसे थां ते लंगर शुरू करते जिथे शुरू तो सेवा करदे आ, कोई 6 साल तो सेवा कर रहा, कोई 7 साल तो, कोई 10 साल तो, कोई 20 साल तो, गुरद्वारा झंडा साहब की जिहड़ी 23 साल तो सेवा चल रही है लंगर की। सो गल यही सी कि सानू तो यही खादसा सी कि ये जिहड़े है रेहड़ी फड़ियां वाले तो अपना हफ्ता वधाने के चक्कर च सानू तंग करके उधर भेज रहे सी, जदों कि साडे गुरुआं ने सिखाया गरीब का मूँह गुरु की गोलक,
तो जो असं गरीब के मूँह च लंगर पाने जो सेवा पाने सूँ ए लगता भी असं गुरु की गोलक के कुछ पा के आ गए तो गुरु दिया खुशियां लैन के लिए असं करते सा कोई निजी स्वार्थ ये है नहीं मनुखता की सेवा सूँ सा गुरुआ ने दी है सेवा इस अंबाला तो भी किसान आगू आए ने कॉल की गई सी एक कॉल की है भी तुम आ जाओ क्योंकि प्रशासन एक दो हाथ हो सकते हैं प्रोटेस्ट किया जा सकता क्योंकि अजिहा बन जाते हैं तस्वीर तो अज पहुंचे हो कि लगता है प्रशासन ने अजिहा क्यों किया प्रशासन में छोड़ो जे पुलिस इंचार्ज से या चौकी इंचार्ज कोई भी उन्होंने क्यों अजिहा क्या भी बंद कर दो तो अज फिर उन्होंने कह दिता विदर लगा सकते हो वाहू जी खालसा वाहू जी फतेह पहले असं थोड़े चैनल का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कल ये गल हाईलाइट की थोड़े कारण ही अजय सारा कट हो कुदरती प्रशासन की मजबूरी बन गई दो हथ करना चाहती है साढ़े गल तो असं लंगरों के उपर दो हथ इन्हों करना चाहते पर असी सख्त शब्दों हुक्म दें किस्म का कि यह लंगर इतने लगन गए इतों होर पास नहीं जाऊगा तो असं लंगर इतें ही लावे जी इतने लंगर लाया जाएगा बई जी की लगता है इन्हों के गरीबों के ज मूँह में देख के कोई गरीब है भाव अमीर है लंगर इतने छकता कोई भी आप कि जेब च है या नहीं है तो अज देख के लग रहा संतुष्टि मिलती है भी इतने जोड़ा थान लंगर लगता से उत्थे है वीर जी बिल्कुल संतुष्टि मिलती है क्योंकि जो असं सवेरे ऐतवार को चाह के लंगर लैके आईद समुची टीम कई सानू यह जे परिवार अंदर टिकर मिलते हैं जिन्होंने रात को प्रशादा भी नहीं छकया हों कई बार तो एक सच्चा इंसीडेंट दसदा एक माता बेचारे वो मोहम्मदन सीगे सहारनपुर वाले साइड के तो वह कहें बेटा ये भी चाह मैं कहा जी गुरु का लंगर है वो कहें भी ये फ्री है मैं कहा हाँ जी फ्री है कहें बेटा भुख लगी है असं उन्होंने पैकेट दिता और माता की अखा चथरू आ गए कहें पुत कि थोड़ा ही इलाका है ये भी चंडीगढ़ या पंजाब हरियाणा हिमाचल भी साढ़े वाल तो कोई किसी के मुँह तो पानी भी नहीं पाँगा भी सानू ये गुरु की बख्शे सानू माण हुंदा साढ़े इलाके ते ठीक है असी किहड़ा कोई इत्थों कोई आमदन लैनी है सिर्फ साडा इन्ना क मकसद है भाई भी जे थानू कोई साडे वल्लों मिस कोई मतलब दिक्कत आउंदी है सफाई दी किसे किस्म दी तुसी सानू गाइडलाइन दसो भाई तुसी इहदे दायरे च रहो असी कोविड दे विच जदों लंगर वरताउंदे सी उदों तां सानू इह लब लब के ल्याउंदे सी भी किथे भाई लंगर वालियां टीमां आ जाओ भाई तुहाडी लोड है हुण जदों तुहाडी लोड निकल गई हुण असी कौण हो गए हुण सानू दरकार दिओ सानू परचियां दी धमकियां दिंदे हो ऐतवार नूं वी रोपड़ वाले वीर हर ऐतवार वो प्रशादियां दा लंगर लैके आंदे सवेरे 8 बजे उन्होंने पिछले ऐतवार भी परेशान किया उस तो पिछले ऐतवार भी परेशान किया इस ऐतवार असं अड़ गए थे मैं कहा साढ़े परचा करो परचे च यह गल मैनशन करनी है कि भाई ये लंगर लाते गरीबों को यह रोटी खवा रहे थे करके इन्हों पर परचा दिता गया फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं आया चले गए असं इतें ही लंगर वरताया जी हाँ प्रशासन जवाब नहीं आ सकिया सवालों के आ गए जे गल की जाए जिमें भाई साहब कह रहे कि यही एक एरिया है जिथे लंगर वरता दिता जाता है एक पिछे जो मैं किसी की गल सुन रहा इंटरव्यू सुन रहा कहते यूपी करनी जाइए तो डांगा लैके पिछे जाते हैं किसी घर का गेट कटाने पानी मंगते हैं कि लगता जे यही होंगे बाकी जिम्मे पंजाब लोगों को लंगर मिलता अजिंह चीज़ा मेरे ख्याल से तो जी चंडीगढ़ का जो प्रशासन आ पहला तो इन्हों की विचारधारा पता करनी पड़ेगी इन्हों की विचारधारा की आ क्योंकि जी असी जमीन पर खड़े हैं पंजाब के पिंड कट के चंडीगढ़ बनाया गया तो चंडीगढ़ के पंजाब की विचारधारा है कि जी सा सब तो पहले गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर शुरू किया वो अज तक दुनिया भुखी नहीं बैठी तो यह लंगर किदा रुक सकता है तो इसलिए प्रशासन की विचारधारा पहले तो बहुत जरूरी है पता करनी कि उन्होंने विचारधारा की चीज़ है दूसरी गल आ कि इन्हों दिक्कत की आ रही है दिक्कत ये लंगर अज नहीं शुरू है कोई 2 महीने या 1 साल पहला नहीं शुरू है ये कोई 23-24-25 साल तो लंगर चलते आ रहे हैं तुम देख सकते हो तुम रात को भी आके देखो सवेरे भी आके देखो हज़ारा लोग ठीक है जी जेडे अपना इतों ढिड भरते हैं जे तुम उही गल करो कि PGI के अंदर दिन कंटीन जी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के ठेकिया से चाड़िया निजीकरण दे दतिया ने उत्थे तुम 80 रुपए तो 100 रुपए की थाली मिलेगी जोड़ा बंदा अपने परिवार का मरीज लैके आया वा वो 3 टाइम की 80 रुपए की थाली खानी अगर जो जेब अपने इन्ने ही पैसे लैके आता तो निजी हस्पतालों में बैठा होंगे उन्होंने PGI खज्जल होने की कोई लोड़ नहीं सी सिर्फ एक प्रशासन की विचारधारा वा कि आम लोगों किसी ना किसी कारण करके तंग करते रहेंगे ये लंगर इतने बहुत सालों तो चलता आ रहा है तो अगे भी चलता रहेगा यदि ना तो जगह कल बदली सी ना अज बदलेगी असी प्रशासन नू बेनती भी करते हैं कि साडा सहयोग करो जे बेनती नाल नहीं गल मानते तो असी प्रशासन नू चेतावनी भी देंगे दोबारा इस लंगर नू इत्थों हटाने की कोशिश की गई तो चंडीगढ़ के सारे रास्ते बंद करने की जिम्मेवारी भारतीय किसान यूनियन चंडीगढ़ लेगी जी इस मैं एक बार तस्वीर दिखाना चाहवागा जो लंगर छक रहे हैं एक बार वो भी तस्वीर दिखावगा जितों क्रॉस करते पिछली बार भी दिखाया कि इतने लंगर छकन बहुत लोग आते हैं कह नहीं सकते कितों कितों आते हैं एक बार मैं पहला पिछों की तस्वीर दिखावगा क्योंकि उतों रोड क्रॉस किया जाता है जो लंगर छकन लिए जाया जाता क्योंकि यूनिवर्सिटी के नाल जिहड़ी कंध है उसके नाल लंगर लगता सी तां उत्थे सारे जांदे सी ये डर रहिंदा सी कि किसे दे विच ना वज्जे जां कोई साधन साडे विच ना वज्जे
ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਉਧਰੋਂ ਸਾਧਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਜੈਬਰਾ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਣਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਲਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗਲਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਗਲਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਉੱਧਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁਕਵਾਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਬਿਹਤਰ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ MC ਇਸ ਵਾਰਡ ਦਾ, ਇਹ ਲੀਗਲ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡ ਮਾਰਦੇ ਆ MC ਤੋਂ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 500 ਰੁਪਇਆ 200 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, PGI ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਹੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਫਸੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਲਬ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ PGI ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਰ, ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੋਟ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਟ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 100-150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੜਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ PGI ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਕਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਰ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈ MC ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੇਡ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਫੜਿਆ। ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ 70% ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ, ਕੁਲਚੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਪਤਾ 500 ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ 700 ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ 300 ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ MC ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ
मैं फोन किया बई ने भी इदा गल बई आ मतला चल रहा सफाई वाले डस्टबिना की लड़ है इस चीज़ की लड़ आ तो कहते अं इस चीज़ की मैं पार्टी तो उपर उठ के हाँ भी एक सेवा का मसला ये करके आए हैं बई जी सारे इतने कोई भी पार्टी का बंदा हो सकता कोई भी सोशल वर्कर हो सकता सारे अगे सपोर्ट कर रहे कोई मसला लंगर का ये तो मैं अगे भी उदन भी दसी है गल भी इतने हर धर्म का बंदा लंगर खाण आ रहा हर धर्म का बंदा लंगर ला आ रहा हिंदू भी आ रहा मुसलमान भी आ रहा सिख भी आ रहा हर धर्म का बंदा देखो खाण आ रहा ये करके मसला लंगर का इतने जे टेक्निकल गल आ बई जी जे भी लंगर डेली दे आउंदे ना घट तो घट तो हज़ार बंदे का एक लंगर च खाना हुंदा भी हज़ार बंदे का खाना हुंदा तो जो भी हज़ार बंदा खाना खाता ना तो थोड़ा बड़ा गिर भी जाता किसी वेले कुछ हो जाता सानू भी पता कि प्लेटा जुटिया जो कुछ इन्ना कुछ हो जाता हूँ बई जी ने सानू पूरा भरोसा दिता इन्होंने कहा भी अं बंदे लवावे नाल डस्टबिन लवावे वह और जेडे पानी की व्यवस्था अं सैट करवा देंगे हूँ बई जी की जिम्मेवारी ला दी जे बी जी अंदर दवा देंगे जगह सारे लंगर वालों बड़ी मेहरबानी है तो गुरु साहब कृपा करना जगह मिले बहुत शुक्रिया असं लोगों गल करा एम सी साहब नाल भी गल की उन्होंने भी भरोसा जताया कि कोशिश करा मैं मीटिंग दे विच भी ये आवाज़ चुका इस बारे आवाज़ चुका पर जो लोग इतने लंगर लैन आते हैं लंगर खाण आते हैं उन्होंने गलबात करा अंट जी सत श्रीकाल जी ठीक ठाक हो ठीक हो कहाँ से हो गाँव से है बिहार से जी यहाँ पे लंगर फ्री में मिलता है अंदर खरीदना पड़ता है नहीं, नहीं। ये यहाँ पे खुशी है फ्री में मिलता है फ्री मिलता है खुशी है हाँ। पहले रोड क्रॉस करना पड़ता था अभी यहाँ पे मिल रहा है फिर से अभी इसमें भी खुशी है हाँ जी इसी में खुशी है उधर मतलब कि तर अपने में दिक्कत हो जाता है जाने में यहाँ पे मतलब सही है आने जाने में दिक्कत नहीं होता है यहाँ बात सही है पेशेंट क्या है साथ हमारे रूपेश कुमार है मेरा भतीजा है इमरजेंसी में अभी अच्छा जी पहल पूरा मतलब जल गया हुआ जी मतलब जी। पेशेंट है ना दविंदर साहब ना गल करने की कोशिश करेंगे सत श्रीकाल जी ठीक ठाक जी नमस्कार नमस्कार जी परेशानी आती थी जो लंगर उधर लगा दिया था प्रशासन ने कहा था फिर से यहाँ लगा लिया इस अच्छा मानते हो कि यहाँ पे बहुत अच्छा रोड क्रॉस हो मैंने करने के दरमियान हो सकता था जो कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए हादसा हो जाए इधर लंगर लगने से बहुत अच्छा सुविधा है और लोग हम देख रहे हैं सारे लोग लंगर बहुत अच्छा से खा रहे हैं बहुत अच्छा बता भी रहे हैं कि हम कई लोगों से हम भी पूछा है कि भाई कैसा तो उसने बताया उन्होंने बताया कि और ये बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना लंगर में मिलता है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पीजीआई में बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है आर्थिक स्थिति इतना नहीं है जो इलाज करा सके दवा खरीद सके तो खाने का जो उनको जो मिल जा रहा है लंगर से जो फ्री फंड है एक सेवा के रूप में इसको चलाया जा रहा है इससे बड़ा दान इससे बड़ा अच्छा काम मेरे को नहीं लगता है जो और कुछ हो सकता जी जी सर आप कुछ कहना चाहोगे रोड क्रॉस करना पड़ता था जो लंगर लगाने आते हैं वो भी कह रहे थे कि अंडर ब्रिज बना देने का रोड उधर लंगर लगाना कि किसी को नुकसान ना हो कोई मरीज को छोड़ के आता है उसको उधर भी चिंता रहती है यहाँ भी चिंता रहती है मैं क्रॉस करना है तो अभी फिर यहाँ पे लगा रहे हैं लंगर कैसे मानते हो यहाँ लंगर लगना चाहिए बिल्कुल इधर ही लगना चाहिए क्योंकि उधर खास करके महिलाओं को उस पार जाने में बड़ी कठिनाई होती है अगर साथ में बच्चे हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है और इधर अगर लंगर लग रहा है तो सबके लिए आसान है सबके लिए सुविधा है और मैं तो बिहार से आया हूँ अपने रिश्तेदार का किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया हूँ यहाँ का ये सेवा देख करके मैं तो मंत्रमुग्ध हूँ कि इतना बढ़िया सेवा यहाँ के लोग इतने अच्छे होते हैं इतने सच्चे होते हैं आम लोगों को जिसको खाने के लिए नहीं इतना बढ़िया सेवा करते हैं मैं तो कायल हूँ सर कमाल है ये जी जी मतलब रूह खुश हो रही है ये तारीफ कर रहे हैं कि लंगर मिलता है यहाँ पे अंदर पैसे देने पड़ते हैं 80 रुपये देने पड़े अगर 3 टाइम खाना खाया तो बहुत पैसे लगे सर मैं उत्तराखंड से रहने वाला जी अच्छा और सर मैं खुद बीमार हूँ जो मैं अब फिलहाल मैं भर्ती हूँ जी यहाँ से अस्पताल में और सर मैंने अपनी भोगा इलाज कराया यहाँ से इतना अच्छा इलाज है कि शायद पूरे हिंदुस्तान में साथ ना हो और साहब मैं इतना गरीब आदमी हूँ अगर लंगर की व्यवस्था ना हो मैं अपना इलाज नहीं करा सकता सर यहाँ तो इन बेचारों में लंगर की इतनी व्यवस्था बड़े प्यार से बड़े आदर से लंगर देते हैं और बड़े ही बेचारे मिलनसार आदमी बड़े ही अच्छे आदमी अगर हम लंगर ना हो तो हम अपना इलाज नहीं करा जी, मतलब फिर तो आप लंगर दे पैसे पूरे करते रह गए आपके पास लाठी है आप लाठी के भी चलते हो अभी 2-3 दिन पहले लंगर उधर लग रहा था है ना फिर रोड क्रॉस करने में मुश्किल आती थी सर ये तो बहुत अच्छा अगर यहाँ ब्रिज बन जाना तो ज़िंदगी सुधर जाए यहाँ से एक्सीडेंट होना भी खतरा गरीब आदमी मैं लकड़ी के सहारे चलता हूँ मैं थोड़ी देर में चोट आ सकती है मुझको ये एक्सीडेंट हो सकता है अगर ये व्यवस्था हो जाए ना सर फिर कोई दिक्कत नहीं हमको जी जी मतलब जे ब्रिज बन जाता अंडर ब्रिज तो उस आम लोगों
सहूलत मिलेगी आम लोग जे उधर लंगर प्रशासन कहता तो उधर जा के निचों की जाके खा सकते हैं, पर इस उम्मीद की जताते हैं जिमें काउंसलर गल कराइए उन्होंने भी कहा कि असी इस चीज़ में होर चकांगे, मीटिंग है जी हाउसिंग हाउस की उस गल चुकांगे कि क्यों अजिहा किया गया सी, किड़ा ने कहा गया सी क्यों लंगर चुकवाया गया सी, लंगर इत्थे ही लगेगा इत्थे लगता सी तो लगता रहेगा, पर हुण लोगों के नाल गलबात की वह भी कह रहे हैं कि असी बीमार होंगे साडे पेशेंट उधर होंगे ने तो असी रोड क्रॉस करते हैं, सानू उधर भी चिंता तो इधर भी चिंता हर पासे चिंता होंगी है, पर हुण प्रशासन के नाल किसानों ने गलबात की है, उन्होंने कह दिता है कि लंगर इत्थे लगेगा तो इत्थे ही लगेगा, उन्होंने कहा जे नहीं लगन देवे तो असी वड्डा जिहड़ा कॉल देवे असी धरना प्रदर्शन करांगे पी जी आई के गेट मूहरे प्रदर्शन करांगे, पर हुण इत्थे सहमति बनी है इस दे नाल प्रशासन की कहिंदा है उस दे नाल जिवें काउंसलर साहब नाल गल करिए उन्होंने कहा कि असी इन्हां दे नाल आ असी हर एक चीज़ प्रोवाइड करांगे जिवें लंगर लाउंदे ने तो हर एक सहूलत दित्ती जाएगी, विचार साडे नाल जुड़ सांझे करो, कैमरे सहयोग दे रहे सी रमणीत सैनी, धन्यवाद।